हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरपंच चुनाव जीत के बाद सोशल मीडिया पर हवाएं फायर करते वीडियो वायरल प्रकरण में हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार। आनंद शर्मा पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 10 अक्टूबर को राजस्थान पंचायती राज आम चुनाव 2020 के मद्देनजर पुलिस थाना सदर बाड़मेर के हल्का क्षेत्राधिकारी की ग्राम पंचायत जाकड़ो की थानी से सरपंच चुनाव संपन्न के पश्चात ग्राम पंचायत जाकड़ो की थानी से श्रीमती चंपा देवी पत्नी श्री सुरताराम जाति जाट सरपंच पद पर विजय होने पर वहां विजय जश्न के दौरान दिनांक 10 अक्टूबर 2020 की रात्रि में जिले के हार्डकोर अपराधी भैरा राम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट निवासी सोडियार पुलिस थाना चौटन जिला बाड़मेर द्वारा भीड़ में देसी पिस्तल से हवाई फायर करने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भैरा राम द्वारा भीड़ में अवैध देसी कट्टे पिस्तल से फायरिंग करने से स्वयं एवं दूसरों का मानव जीवन संकटापन उत्पन्न हुआ। मुलजिम भैरा राम द्वारा हवाई फायर ना करके भीड़ की तरफ फायर करता तो भीड़ में उपस्थित किसी व्यक्ति की जान जा सकती थी। थाना रिकॉर्ड से भैरा राम के नाम से किसी प्रकार के हथियार का लाइसेंस नहीं होना पाया गया है। भैरा राम का उक्त कृत्य जुर्म धारा 325 आम एक्ट के अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर मुलजिम की तलाश शुरू की गई। प्रकरण की घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा वृत्त अधिकारी बाड़मेर श्री महावीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में थाना अधिकारी पुलिस थाना सदरमय जाप्ता द्वारा उक्त मुलजिम एवं हार्डकोर अपराधी भैरा राम की तलाश पतारसी जारी रखते हुए आज दिनांक 15 अक्टूबर को श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना सदरमय पुलिस टीम द्वारा हार्डकोर अपराधी भैरा राम को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुलजिम भैरा राम से हथियारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। टीम में शामिल सदस्य श्री मूलाराम निरीक्षक पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर श्रीमती सुमन उप निरीक्षक पुलिस हेड कानी चैना राम 793 कानी निम्बा राम 1405 कानी बापूलाल 250 कानी केसा राम 670 जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।